ये है होंडा की सिटी। अब मैंने आपको पेट्रोल वर्जन का तो रिव्यू दे ही दिया है, लेकिन ये डीजल वर्जन जो आज हम आपके लिए लेके आए हैं, डीजल चलाने में कैसी है और क्या है इसकी खूबियाँ, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको जानना है बैक सीट के बारे में, स्पेस के बारे में, फीचर्स के बारे में, तो आप मेरा पूरा वीडियो रिव्यू देख सकते हैं। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और यहाँ पर आई बटन पर भी आप क्लिक कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी कैसी है पेट्रोल वर्जन में। और सीवीटी वर्जन का भी मैं वीडियो नीचे डाल दूँगा, जो ऑटोमेटिक वर्जन है उसका भी लिंक नीचे डाल दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं, गाड़ी के अंदर चलते हैं और गाड़ी चलाकर बताते हैं क्या है खास इस नई सिटी डीजल वर्जन में। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप लेना चाहते हैं कोई भी स्पेयर पार्ट अपनी गाड़ी के लिए, तो आपको चेकआउट करने चाहिए budmo.com। आप इनकी वेबसाइट के साथ साथ इनकी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, iOS और Android डिवाइसेस दोनों के लिए मौजूद है। और सबसे अच्छी बात बुडमो की ये है कि आपको ये सेम स्पेयर पार्ट का ऑप्शन देते हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोनेंट मेकर्स से। यानी कि अगर आपको अपनी गाड़ी के लिए फॉर एग्जाम्पल चाहिए फ्रंट ब्रेक पैड्स, तो अलग अलग कॉम्पोनेंट मेकर्स के आपको ऑप्शन दे देते हैं। यानी कि आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है चॉइसिस की और प्राइसिंग की, जो कि आपके बजट को सूट करे। और अगर आप कोई स्पेयर पार्ट मंगवा लेते हैं और आपको अच्छा नहीं लगता, तो बुडमो प्रॉमिस करता है कि 10 दिन में रिटर्न डिलीवरी भी ले लेगा ये, और आपके पैसे वापस कर देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। सारे पार्ट्स जेन्युइन होते हैं, सारे पार्ट्स ओरिजिनल होते हैं, और साथ ही साथ एक अच्छी बात ये है कि सारे पार्ट्स आपको बिना किसी झंझट के आपके दरवाजे पर मिल जाएंगे डिलीवरी के थ्रू। हाँ जी, तो मैं चला रहा हूँ इस वक्त होंडा की सिटी, और ये गाड़ी आती है 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ। ये तो आप जानते ही होंगे, करीब 100 bhp बनाता है इंजन। और अगर बात करें इस इंजन की एक खूबी की, वो ये है कि इसकी फ्यूल एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी है। BS6 वर्जन में भी इंजन आने लग गया है, और फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में काफ़ी अच्छा इंजन है। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट जो होंडा ने इस गाड़ी में किया है, वो है कि इस गाड़ी का जो ओवरऑल नॉइज़ लेवल्स है वो काफ़ी कंट्रोल कर दिया, काफ़ी कम कर दिया पिछले वर्जन से। जो पुरानी गाड़ी है, जो पुरानी सिटी अभी बिकती है, उसके अंदर जो डीजल इंजन था वो काफ़ी नॉइजी था, गाड़ी खड़खड़ाती थी, स्पेशली फ्रॉम कोल्ड स्टार्ट। जब गाड़ी को ठंडे से स्टार्ट करते थे तो गाड़ी खड़खड़ खड़खड़ बहुत ज़्यादा करती थी, और हाईवे पर जब गाड़ी भगाते थे 100-110 की स्पीड पर, तब तो बहुत ज़्यादा शोर अंदर आता था। तो वो सब चीज़ें अब इस गाड़ी में नहीं है। थोड़ा बहुत तो इंजन अभी भी नॉइजी है, लेकिन उतना नहीं है जितना पहले था। बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट करी है होंडा के इंजीनियर्स ने, और ये चीज़ आप बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे जिस गाड़ी को लेकर आप हाईवे पर निकलेंगे। अगर बात करें एक और अच्छी बात की जो आप अप्रिशिएट करेंगे इस गाड़ी की, वो है इसका राइड कंफर्ट। राइड के मामले में दी होंडा सिटी रियली इज़ अ क्लास एक्ट, और इसकी जो सस्पेंशन सेटिंग है वो बहुत ही अच्छी कर रखी है होंडा के इंजीनियर्स ने। गाड़ी को जब आप ले जाएंगे रंबल स्ट्रिप्स के ऊपर से, एक्सपेंशन जॉइंट्स के ऊपर से, टूटे फूटे रास्तों पर से, तो बहुत सारी चीज़ें जो और गाड़ी में अंदर अफेक्ट करती हैं आपके कंफर्ट को, इस गाड़ी के अंदर वो सब बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं कर पाएंगी। इनफैक्ट आई वुड रेकन दैट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार्स इन टर्म्स ऑफ द शेयर कंफर्ट इनसाइड द कैबिन। जब इस गाड़ी को लेकर निकलेंगे हाईवे पर, तो आपको स्टेबिलिटी भी देगी और स्लो सिटी स्पीड्स पर ये आपको कंफर्टेबल रखेगी सारे के सारे ऊबड़ खाबड़ रास्तों से, और ये आप ट्रूली अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन ये मतलब नहीं कि कंफर्टेबल गाड़ी तो चलाने में अच्छी नहीं होगी, स्टेयरिंग में मज़ा नहीं आएगा। स्टेयरिंग व्हील इसका हल्का ज़रूर है, लेकिन एक्यूरेसी के मामले में काफ़ी अच्छा है। और जैसा मैंने कहा, इस गाड़ी को लेकर आप निकलेंगे हाईवे के ऊपर, तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा इस गाड़ी को ले जाते वक्त लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज पर। और साथ ही साथ अगर आप कहते हैं आपको एक शौकिया ड्राइवर, एक कीन ड्राइवर, तो इस गाड़ी को जो आप पहाड़ों पर लेकर निकलेंगे, या आप इसको ले जाएंगे मोड़ों पे, या आप कहते हैं कि मुझे रेस्ट्रैक पे गाड़ी को ले जाना है, तब भी आपको काफ़ी मज़ा आएगा। स्टीयरिंग काफ़ी एक्यूरेट है, इसकी जो ओवरऑल चैसी है वो काफ़ी डायनामिक है, और जितना आप चाहते हैं गाड़ी मूवमेंट करे उतनी मूवमेंट करती है, क्योंकि काफ़ी क्रिस्प और शार्प रिस्पॉन्सिव वाला स्टीयरिंग मिले। तो ओवरऑल स्टीयरिंग फीडबैक के मामले में और ओवरऑल गाड़ी चलाने के मामले में काफ़ी बेहतरीन और मज़ेदार गाड़ी है होंडा की सिटी डीजल वर्जन में भी। अगर हम बात करते हैं होंडा सिटी डीजल के गेयरबॉक्स की, तो गेयरबॉक्स काफ़ी अच्छा है, और पेट्रोल वर्जन की तरह ही काफ़ी शार्प और एजाइल गेयरबॉक्स है। थ्रोज भी इसके काफ़ी एक्यूरेट हैं, यानी कि अगर आप थर्ड में डालेंगे तो फिफ्थ में नहीं लग जाएगी, और फिफ्थ में डालेंगे तो थर्ड में नहीं लग जाएगी, ऐसी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो काफ़ी अच्छा स्प्रिंगी एक्शन है इसे क्लच का, आपको अच्छा लगेगा इसको यूज़ करने में, थकान नहीं होगी आपको। जो मैं कहने की कोशिश करूँगा बात ये, दिन भर अगर आप मैनुअल वर्जन चलाएंगे डीजल का तो भी आपको थकान नहीं होगी, तो उस लिहाज से भी काफ़ी अच्छी गाड़ी है। और इसमें एक बात अच्छी है कि इसमें सिक्स गियर भी आपको मिलता है, सिक्स स्पीड का गेयरबॉक्स है, यानी कि इंजन की जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये हाईवे पर काफ़ी इंप्रूव हो जाती है, और आपको मज़ा आएगा इस गाड़ी को हाईवे पर ले जाके खासतौर पे,
क्योंकि इस गाड़ी का जो फ्लेक्सिबल नेचर है काफ़ी अच्छा जाएगा। जब आप स्पीड करोगे 100-110 की तो जो इंजन होगा वो करीब 1700-1800 आरपीएम पर होगा हाईवे पर, उससे भी कैबिन के अंदर ज़्यादा शोर नहीं आएगा इंजन की तरफ से। सो ओवरऑल 6-speed गियरबॉक्स होने की वजह से यू गेट एक्सेलेंट फ्लेक्सिबिलिटी व्हिच मेक्स इट अ नाइस कार फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज आउट देयर ऑन द हाईवे। अगर हम बात करें इस इंजन की तो इंजन थोड़ा सा टर्बोलैक्स से सफ़र ज़रूर करता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प और अलर्ट इंजन है। आपको करीब 1800-1900 आरपीएम के आसपास तक हल्का सा लेजीनेस लगेगी इसके रिस्पॉन्सिवनेस में, लेकिन ऐसी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं क्योंकि आप सीख जाएंगे उस लेजीनेस के आसपास गाड़ी को चलाना। गियर शिफ्ट आपको बार बार नहीं करने पड़े, और करने ही पड़े तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर हम गाड़ी को 2000 आरपीएम के ऊपर ले आते हैं तो 3500-4000 आरपीएम के आसपास काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्सिवनेस देती है ये गाड़ी, और पावर डिलीवरी भी इसकी काफ़ी बेहतरीन है उन आरपीएम फिगर्स के बीच में, तो आपको मज़ा आएगा इस गाड़ी को चलाकर। मिड रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग है और टॉप एंड भी इसका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये उन लोगों के लिए अच्छी बात है जो गाड़ी को ज़्यादातर रखते हैं हाईवे के ऊपर, क्योंकि आपको जब पावर पंच चाहिए होता है तो आपको सिर्फ यहाँ पंजा दबाना होगा और गाड़ी काफ़ी अच्छा आपको रिस्पॉन्स देगी। ओवरऑल सिटी बहुत अच्छी गाड़ी डीजल वर्जन में भी चलाने के लिहाज से, और फ्यूल एफिशिएंसी जैसे मैंने कहा काफ़ी अच्छी है, रिफाइनमेंट काफ़ी इंप्रूव कर दी गई है पहले से। ड्राइविंग डिपार्टमेंट में दूंगा इसको एक बहुत अच्छा स्कोर, रिस्पेक्टेबल स्कोर 89 का आउट ऑफ 90। डेफिनेटली इज़ अ वेरी गुड कार एंड वन कार विच ट्रूली डिजर्व्स ऑल योर अटेंशन।